Hi guys, I hope you all are doing और हमने पढ़ी थी फाइनेंशियल गियरिंग जिससे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे फिक्स एक्सपेंसिस बहुत ज्यादा हो और गियरिंग बहुत ज्यादा हाई हो तो वो बिजनेस के लिए बहुत रिस्की होता है और एक चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है जितना ज्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स होंगे कैसे ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है क्या कि अगर हम बहुत ज़्यादा डेट बिजनेस में रखते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा डेट बिजनेस में रखते हैं तो बिज़नेस को जो अर्निंग पर शेयर होती है हमारी इक्विटी वालों की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इज़ मोर देन इंटरेस्ट रेट ये हमने पढ़ा हुआ है है ना कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमें आ रहा है इट इज़ मोर देन इंटरेस्ट रेट तो इट इज़ बेटर हम जितना ज़्यादा डेट रखें उतना ज़्यादा हमारा अर्निंग पर शेयर होगा लेकिन यहाँ पे कैच क्या आता है एक कैच ये आता है कि अगर हमारा रिस्क ज़्यादा होगा अगर हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं वो भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें रिटर्न की उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दैट मीन्स जो कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी है हमारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना कंपनी के लिए तो एक नुकसान है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई है है ना तो अब एक आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजर अब फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है उसको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है क्या उसको कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ाना है जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगा दैट मीन शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी और उसको ये भी ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा रिस्की ना हो जाए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा रिटर्न करें कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और इतनी कॉस्ट कंपनी डिलीवर ना कर पाए क्योंकि कंपनी अगर इतनी कॉस्ट डिलीवर नहीं कर पाएगी दैन वॉट विल हैपन पीपल विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर ऑफ द कंपनी और कंपनी जो है वो बंद हो सकती है तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर इसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है तो अगर इसको अर्निंग पर शेयर बढ़ानी है तो रिस्क बढ़ाना पड़ेगा रिस्क बढ़ाना मतलब डेट ज़्यादा लेनी है डेट ज़्यादा लेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दैट मींस हमारे जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा उससे फिर हमारे शेयर्स की जो शेयर होल्डर है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा और नहीं कर पाए तो नुकसान हो जाएगा ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा डेट बहुत ज़्यादा है तो हमारा जो इंटरेस्ट है एक्सपेंस वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दैट मीन्स हमारा जो फिक्स एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फिक्स एक्सपेंस हाई होने की वजह से क्या होगा अगर तो हमारे प्रॉफिट अच्छे चल रहे हैं वही मैंने बताया था ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन इंटरेस्ट कि हमारे प्रॉफिट बहुत अच्छे चल रहे हैं तो तो ये सिचुएशन बहुत फेवरेबल है लेकिन अगर हमारे प्रॉफिट ज़रा से भी कम हो गए तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर हमारे प्रॉफिट इस डेट से इंटरेस्ट से कम है तो इंटरेस्ट तो हमें देना ही देना पड़ेगा हम स्किप तो कर नहीं सकते तो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे हमें और लोन लेना पड़ेगा हो सकता है हमें अपने एसेट्स भी बेचने पड़े सो दिस इज़ ऑलवेज अ लॉस फॉर अ बिजनेस अगर हम ज़्यादा रिस्क रखते हैं ठीक है सो फाइनेंशियल मैनेजर को दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बट टेक्निकली फाइनेंशियल मैनेजर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता इस सिचुएशन में क्योंकि <coughs> वो हिड एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज़ कर सकता ही कैन नॉट डू दिस थिंग कि वो डेट बहुत ज़्यादा कर लेगा देखेगा क्या होता है चलो हम डेट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं अगर वो एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे इतना कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी या फिर अगर वो डेट बहुत ही ज़्यादा कम कर लेते हैं तो उससे क्या होगा हमारा अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगा तो जो रिटर्न इन्वेस्टर्स हैं वो बोलेंगे यार हमें तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम है रिटर्न क्योंकि आपका कुछ रिस्क ही नहीं है रिस्की नहीं है तो आपका ई जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है सारा पैसा आपने ओनर की जेब से लगाया हुआ है तो ये टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता तो ऐसी सिचुएशन में इस फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना चाहिए हाउ वॉट मैथड दैट वी शुड फॉलो हम ऐसा कौन सा मैथड फॉलो करें ध्यान से हम ऐसा कौन सा मैथड फॉलो करें कि जो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या फाइनेंशियल मैनेजर है ये बंदा इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाए कैपिटल स्ट्रक्चर दिस इज अर कैपिटल स्ट्रक्चर कि इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए कि रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं और इन्वेस्टर्स की जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है के ई वो भी बहुत ज्यादा हाई ना हो तो उसके लिए ये क्या कर सकता है वो चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है ठीक है एक बार इसको थॉरली पढ़ लेना तुम्हें सारा समझ आ जाएगा जो मैंने बताया तो अब हमें एक सिंपल सा तरीका बताया गया क्या तरीका बताया गया है कि अगर हमें देखना है कि हमें कंपनी की वैल्यू बढ़ानी है हमें कंपनी की वैल्यू, वैल्यू मैक्सिमाइज रखनी है है ना हमें कंपनी की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है यही पर्पस होता है फाइनेंशियल मैनेजर का कि कंपनी की वैल्यू मैक्सिमम रखे अब कंपनी की वैल्यू के अंदर क्या क्या आता है अर्निंग पर शेयर भी आता है इसमें इन्वेस्टर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो इन्होंने उन सब का एक सिंपल मेथड बना दिया दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी सो मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी कैसे निकाल सकते हैं इन्होंने हमें फॉर्मुला क्या बताया कि फ्यूचर के कैश फ्लो हमें फ्यूचर में कितने कैश फ्लो आ सकते हैं ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजटिंग से और फ्यूचर कैश फ्लोज हमें जितने आ सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी दैट इज टिल पपेच्युटी डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम फ्यूचर कैश फ्लोज को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करते हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ जाती है okay. जैसे हम निकालते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं अगर पपेचुटी है प्लस रिटर्न है तो प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाता है तो आज की कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होगी कि फ्यूचर में क्या कैश फ्लो हमें आएंगे और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कितनी आ रही है उससे डिवाइड करके सही है बिल्कुल ठीक है हरा? अब हमने क्या पढ़ा कि हमें कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो हाईएस्ट रखनी है तो इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास कि या तो हम फ्यूचर कैश फ्लो इंक्रीज़ करें फ्यूचर कैश फ्लो इंक्रीज़ करना मतलब अपनी सेल बढ़ाना सेल बढ़ाएं कॉस्ट कम करें डेटर से पैसे टाइम पे लें एनी बट वो एक कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है वो तो बिजनेस के काम करने से रिलेटेड है कि आप बिज़नेस कितने अच्छे से चलाते हो काम कैसे करते हो सेल कितने करते हो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर आता है वो ये आता है वेटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि हम वेटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं ताकि हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बेस्ट आए तो जैसे हमें पता है लेसर द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो रिमेन कांस्टेंट फ्यूचर कैश फ्लो चेंज नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन में तो वेटेड एवरेज जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा कंपनी की मार्केट वैल्यू होगी तो जैसे अगर हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% आ रही है और रिटर्न है हमारा 100 तो 100 डिवाइड बाय फिफ्टीन पॉइंट वन फाइव सिक्स और अगर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 परसेंट है तो वहाँ पे हमारी जो मार्केट वैल्यू कंपनी आएगी वो आएगी 1000 थाउजेंड दैट मीन्स जितना लेसर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल होगा उतनी ज़्यादा कंपनी की हमारी मार्केट वैल्यू होगी तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या समझ आ गई कि हमें मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए डब्ल्यू अपनी कम करनी पड़ेगी डब्ल्यू एस क्या होता है ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल इम्प्लॉयड यही था है ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आती थी जो परसेंटेज इंटू इक्विटी परसेंटेज इंटू डेट एंड परसेंटेज इंटू प्रेफरेंस इन सबका टोटल करके डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस हमारी आती थी वेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका मतलब क्या होता था उसका मतलब ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज हाउ मच कंपनी हैज टू पे ऑन दी कैपिटल स्ट्रक्चर कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कि ऑन एन एवरेज उस कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी को कितना पे करना है ठीक है ना कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जितनी कंपनी में पैसे लगे हैं उस पर ऑन एन एवरेज कंपनी को कितना रिटर्न देना है या एक्सपेक्टेशन है सबकी मिला के तो एवरेज एक्सपेक्टेशन दैट इज हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखो हम कम कैसे कर सकते हैं सुनो एक चीज़ एक होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक होती है कॉस्ट ऑफ डेट जहां से सुनना अभी हम प्रेफरेंस की बात ही नहीं करते लेट्स स्किप प्रेफरेंस ईयर फॉर द टाइमिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट आ रही है एट परसेंट या फिर जैसे हम डिबेंचर्स या लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है लेट्स एट परसेंट अभी मैं टैक्सेशन छोड़ देता हूँ कि टैक्सेशन का कोई रोल नहीं है देर इज नो टैक्स ठीक है कि कंपनी को अगर एट परसेंट रिटर्न देना है डिबेंचर होल्डर को तो मुझे एक बात बताना कि इक्विटी वाले कंपनी से कितना एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न क्या वो लेस देन एट परसेंट करेंगे या वो मोर देन एट परसेंट करेंगे या इक्वल टू एट परसेंट तो सबका आंसर डेफिनेटली होगा कि सर मोर देन एट परसेंट क्यों वो बोलेंगे कि रिस्क हमारा इनका तो क्या रिस्क है इन्होंने तो लोन दे दिया इनको पाँच छः साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे हर साल इनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है इनको क्या दिक्कत है कल को एसेट्स बिकेंगे तो पहले इनको रीपेमेंट की जाएगी ये तो सिक्योर है तो हमें रिस्क में है हमें कभी कंपनी से पैसे वापस नहीं आते इक्विटी वालों को है हाँ ना और हर साल रिटर्न भी गारंटी नहीं है अगर लॉस हुआ तो कोई रिटर्न नहीं आएगा प्रॉफिट भी हुआ तो हो सकता है कंपनी को रिटेन अर्निंग चाहिए हो तो हमारा तो रिटर्न हमें पता नहीं कितना मिले तो हमारी एक्सपेक्टेशन कंपनी की हमेशा इस एट परसेंट से ज़्यादा होगी लेट्स इनकी है फोर्टीन परसेंट इतनी होती है कि इक्विटी वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी को कंपनी उनको पे करे फोर्टीन परसेंट ऑन द इक्विटी और डेट वाले करते हैं कि एट परसेंट उनको डेट पर हमें रिटर्न देना है तो इसका मतलब क्या है जो वेटेड एवरेज क्या होती है दैट इज इंटू इक्विटी इंटू डेट टोटल करके डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेट एक एवरेज आ गई हमारी तो अगर मुझे अपनी एवरेज यहां पे कम करनी है तो सोचो मैं अपनी एवरेज कैसे कम कर सकता हूं दैट मीन्स मैं अपना डेट बढ़ा दूं जितना ज्यादा मैं यहां पे डेट बढ़ाऊंगा तो कंपनी में अगर डेट से 10 लाख ,00 की इन्वेस्टमेंट है टोटल ठीक है तो मैंने अगर 5 लाख इक्विटी ली है और 5 लाख ,00 ही मैंने डेट लिया है तो उस केस में मैं तुम्हें करके दिखाता हूं डब्ल्यू कितना आएगा तो वहां पर डब्ल्यू विल बी इन लाख फोर्टीन परसेंट इट इज सेवेंटी थाउजेंड प्लस फाइव लाख इंटू एट परसेंट क्योंकि डेट भी फाइव लाख ,00 है इट इज फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल टोटल कैपिटल इंप्लॉयड विच इज टेन लाख सो दिस इज दैट मीनस ,00 यहां पे मेरी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है वो आ रही 11%. अब एक financial manager ने क्या किया उसने कहा कि यार में कंपनी को कम पैसा देना पड़ता है तो हम स्ट्रक्चर ऐसे करते हैं हम डेट कर देते हैं एट लाख और इक्विटी कर देते हैं टू लाख टू लाख हम इक्विटी से रेस करेंगे और डेट से एट लाख अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है तो टू लाख इंटू फोर्टीन परसेंट इट इजी एट थाउजेंड एट लाख इंटू एट परसेंट इट इज सिक्सटी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन लाख अब जब मैंने ये चीज करी तो सिक्सटी फोर प्लस ट्वेंटी एट डिवाइड बाई टेन लैख तो यह मेरा आ रहा है देखो नाइन पॉइंट टू परसेंट दैट मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी कम हो गई सो so, मुझे इससे क्या समझ आया कि अगर मैं अपना डेट बढ़ाऊंगा दैट मीन्स गेयरिंग गेयरिंग यानी फाइनेंशियल गेयरिंग फाइनेंशियल गेयरिंग को मैं खाली गेयरिंग भी बोल सकता हूं अगर मेरी गेयरिंग हाई होगी हाई गेयरिंग मतलब डेट ज़्यादा इक्विटी कम तो उस केस में मेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो बहुत कम आती जाएगी जितनी ज़्यादा डेट होगी उतनी ज़्यादा वर्क वेटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम और जितनी कम मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ज़्यादा मेरी आ जाएगी मार्केट वैल्यू इस कॉन्सेप्ट से हमें समझ आया कि हम मार्केट वैल्यू से कैसे खेल सकते हैं हाउ कैन वी प्ले हाउ अ फाइनेंशियल मैनेजर कैन एडजस्ट दी गेयरिंग इन अ वे की मार्केट वैल्यू कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़े है ना फॉर्मूला हमें पता था हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली चीज़ें एडजस्ट करके देख ली है ना लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है ये तो हमने देख लिया थोराटिकल आस्पेक्ट जो तुम बचपन में पढ़ा करते थे कि हमें फॉर्मैट बता दिया फार्मूला बता दिया वो यूज़ कर लिया लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने लॉजिक लगाएं लॉजिक ध्यान से देखना का इज लॉजिक अगर मैं यहाँ पर डेट एट लाख जैसे मैं डेट मान लो नाइन लाख कर लेता हूँ और इक्विटी वन लाख कर लेता हूँ ध्यान से सुनना डेट मैंने कर ली नाइन लाख इक्विटी मैंने कर ली वन लाख तो उस केस में क्या होने वाला है बहुत ध्यान से सुनना उस केस में ये होने वाला है कि इक्विटी वाले सोचेंगे इनका माइंडसेट क्या होगा ये बोलेंगे कि भाई कंपनी ने नौ लाख का लोन लिया हुआ है गियरिंग बहुत ज़्यादा हाई है मतलब ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा रिस्की है रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है कल को अगर थोड़ा सा भी बिजनेस को लॉस हो गया या हमारे प्रॉफिट जो हैं वो काफ़ी कम हो गए बहुत कम प्रॉफिट्स हुए तो कंपनी को इंटरेस्ट देने के लाले पड़ जाएंगे ये तो फिक्स एक्सपेंस देना पड़ेगा हमें तो कंपनी दे ना दे कोई चक्कर नहीं है तो फिक्स एक्सपेंस देना पड़ेगा लेकिन अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो कंपनी कहाँ से इंटरेस्ट देगी कंपनी को लॉस लॉस हो जाएगा और वो लॉस कौन बियर करेगा हम ही बियर करेंगे कंपनी को लॉस हो जाएगा कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाएगी हो सकता है कंपनी को एसेट्स बेचने पड़े तो काफ़ी सारी सिचुएशन है काफ़ी प्रॉब्लम है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है रिस्क बहुत ज़्यादा है तो इक्विटी वाले कहते हैं कि भाई हमें फ़ोर्टीन रिटर्न नहीं चाहिए भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है हमें क्या पता किस साल में रिटर्न ही ना आए तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 25 परसेंट या लेट से हमें 60 परसेंट या हमें 45 परसेंट हमारी एक्सपेक्टेशन है रिटर्न से मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी से हर साल हमें 45 परसेंट रिटर्न आए इतने से में हम काम नहीं करने वाले क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हाई है जरा सा भी कुछ हो गया तो हमें तो कुछ पैसे नहीं मिलेंगे हमारा तो सारा पैसा डूब जाएगा कंपनी में तो वी एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न फ्रॉम दी कंपनी दैट मीनस कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी हमारी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होगी तो अल्टीमेटली जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी चेंज हो जाएगी है ना यहाँ पे लॉजिक क्या आ गया कि अगर रिस्क ज्यादा बढ़ गया तो इन्वेस्टर्स विल आस्क फॉर अ बेटर रिटर्न या हायर रिटर्न तो उससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर बढ़ जाएगा हमारा अब यहां पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो देखो वेटेड एवरेज अगर लेट्स से जस्ट कैलकुलेट करते हैं वन लाख इंटू फोर्टी इट इज फोर्टी और नाइन लाख इंटू इट इज सेवेंटी प्लस फोर्टी डिवाइड बाई टेन लाख परसेंटेज तो ये तो मेरा इलेवन पॉइंट सेवन परसेंट होगा तो वेरी डेवेज तो हमारा पहले से भी बढ़ गया है ना क्योंकि इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर रिटर्न तो फाइनेंशियल मैनेजर को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ये हमें इतना प्रैक्टिकली क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि बताओ इसी सिचुएशन में कितना बढ़ेगा कैसे कैसे ये इंक्रीज होता है इतना हमें ध्यान नहीं देना ठीक है लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जो लॉजिक हमें क्लियर रखना है कि अगर हमारा बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इन्वेस्टर विल सीक टू हैव अ बेटर रिटर्न फ्रॉम द कंपनी वो कहेंगे हमें बेटर रिटर्न चाहिए और फिर वेटेड एवरेज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी चेंज हो जाएगी ठीक है तो यहां पे देखो इन्होंने यही बताया हुआ है इंपैक्ट ऑफ गेरिंग ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम गेयरिंग यानी डेट बहुत ज्यादा हाई रखते हैं इक्विटी कम रखते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ चीपर डेट फाइनेंस विल डिक्रीज दब्ल्यू एसी जैसे हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू हमारी कम हो जाएगी और इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन ऑफ डेट फाइनेंस इंक्रीजिज द रिस्क फॉर इक्विटी एंड देन इट इंक्रीज वर्किंग कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसा कि हमने बाद में पढ़ा है क्योंकि इक्विटी वालों का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी अब इक्विटी वाले अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फोर्टी फाइव परसेंट रिटर्न चाहिए और हम ये चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाए तो क्या होगा दे विल सेल दी शेयर्स दे विल सेल दी शेयर ऑफ द कंपनी शेयर सेल करेंगे और मार्केट रेट पे सेल करेंगे तो हमारी जब सेलर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड बहुत कम है तो हमारे शेयर की वैल्यू गिर जाएगी जो रिमेनिंग इक्विटी है शेयर होल्डर है वो लॉस में चले तो जाएंगे क्यार हमारे तो शेयर की वैल्यू गिर गई कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी तो बहुत चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ठीक है तो यहां पे इन्होंने देखो अब मैं तुम्हें ये समझाता हूं ये तुम पढ़ लेना थ्योरी पढ़ लेना मैं तुम्हें ये चार्ट बताता बता ये चार्ट इन्होंने कैसे क्या बताया हुआ है बहुत ध्यान से सुनना गाइस बहुत ध्यान से सुनना ये है ये जो है हमारा एक्स एक्सिस दैट इज गेयरिंग जितनी ज्यादा गियरिंग हमारी हाई है जैसे यहां पे है वन वन इज टू वन एक इक्विटी तो एक डेट टू डेट एक इक्विटी थ्री डेट एक इक्विटी फोर डेट एक इक्विटी फाइव डेट एक इक्विटी तो दिस इज़ हमारी गेयरिंग बढ़ती जा रही है ठीक है ये है हमारी गेयरिंग दिस इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दिस इज़ कॉस्ट ऑफ डेट कि डेट वालों का कितना रिटर्न है लेट से एट परसेंट हमने पढ़ा था ये है कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी इक्विटी वालों का क्या रिटर्न है और एक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल हमारी कैसे चेंज होगी देखो सो मैं मान के चलता हूँ कि डेट तो हमारी कभी चेंज ही नहीं होती डेट तो अगर हमारा लोन एट है वो तो एट ही रहेगा तो एट से हमारा लोन चल रहा है ठीक है सो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट जो हमारी है दैट इज एट परसेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे जैसे हम गियरिंग बढ़ाते जाएंगे ध्यान से सुनना जैसे जैसे हम गेयरिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी थोड़ी थोड़ी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी ठीक है एक पॉइंट आएगा देर विल बी अ पॉइंट जहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भले ही बढ़ गई है गियरिंग बहुत हाई है यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आ रही है कैसे आएगी ये सिचुएशन देखो मेरा पहले इस सिचुएशन में जैसे वन इज टू वन पांच लाख था डेट और पांच लाख की थी इक्विटी ठीक है तो कॉस्ट ऑफ डेट इज एट परसेंट लेट से कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मेरी है वो है मेरी ट्वेंटी परसेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ट्वेंटी परसेंट यहाँ पे ठीक है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ट्वेंटी वन परसेंट होगी ट्वेंटी वन परसेंट या फिर लेट्स हाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ट्वेंटी वन परसेंट होगी गेयरिंग मैंने कर दी टू इस टू वन टू इस टू वन मतलब कि डेट मेरा है सिक्स 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 और इक्विटी मेरा है थ्री 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 है ना अब यहां पे अगर मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा तो सिक्स 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 डेट इंटू एट परसेंट थ्री 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 इंटू ट्वेंटी वन परसेंट जब मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा वो थोड़ी सी कम हो जाएगी क्यों क्योंकि मैं चीपर डेट ज्यादा गेयर कर रहा हूं चीपर डेट से ज़्यादा लोन ले रहा हूं तो एक पॉइंट तक आके मेरा क्या होगा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम चली जाएगी लेकिन उसके बाद क्या होगा अगर मैं उसके बाद ज्यादा ज्यादा और ज्यादा डेट लेता रहूंगा और ज्यादा डेट लेता रहूंगा तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उनका जो इंक्रीज है वो काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वो कहेंगे भाई हमें थर्टी परसेंट चाहिए और गेयरिंग बढ़ा दी फोर्टी परसेंट चाहिए और गेयरिंग बढ़ा दी फिफ्टी परसेंट चाहिए तो गेयरिंग जितनी ज्यादा हम बढ़ाते चले जाएंगे उतना डबल ट्रिपल उतना ज़्यादा इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी से और देर विल बी अ पॉइंट हमें कैलकुलेट अभी के लिए ये नहीं करना ध्यान रखना हमें सिर्फ ये चार्ट समझना है देर विल बी अ पॉइंट कि इससे ज़्यादा अगर हमने गेयरिंग बढ़ाई डेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला लेकिन इक्विटी का जो रिटर्न है एक्सपेक्टेशन है वो हाई और हो जाएगी और उससे हमारी वेटी एबिटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जैसा मैंने ऊपर तुम्हें मैं एग्जाम्पल दिया था ठीक है तो हमें ये ऑप्टिमल पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखना है कि जहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है ठीक है ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा बढ़ेगी जितनी ज्यादा गियरिंग बढ़ती रहेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ी बहुत बढ़ती चली जाएगी क्यों गियरिंग बढ़ना मतलब रिस्क बढ़ना रिस्क बढ़ना तो इन्वेस्टर विल सीक फॉर अ बेटर रिटर्न लेकिन बहुत ज्यादा हाई गियरिंग होगी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो सीधा ऐसे शूट अप करेगी इट विल शूट अप लाइक दिस कि हमें तो 70 80 परसेंट रिटर्न चाहिए तुमने इतनी ज्यादा गियरिंग कर दी है अब तुम कहोगे सर ये तो यहां पे डेट भी इंक्रीज हो रही है ये क्यों हो रही है डेट इसलिए इंक्रीज हो रही है गाइस कि अगर देर विल बी अ पॉइंट डेट का रेट एट परसेंट ही रहेगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा एट परसेंट इज द रिटर्न दैट हमें चाहिए होगा और डिबेंचर होल्डर को देना पड़ेगा या लोन हमें रिटर्न करना पड़ेगा लेकिन अगर देखो हमारी गियरिंग बहुत ज्यादा हाई है लेट से हमने दस लाख हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करने थे हमने नाइन नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड जो है वो हमने डेट ले लिया और सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी है दिस इज डेट दिस इज इक्विटी तो इक्विटी वालों का तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ऊपर हो जाएगी क्योंकि बहुत रिस्की सिचुएशन है यहाँ पे डेट वालों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी क्यों बैंक बोलेगा भाई तुम्हारा सारा को सारा लोन पे ही तुम काम कर रहे हो कल को जरा सा भी कुछ हो गया तो हमारे तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे इतने तुम्हारे पास बिज़नेस में इतना तुमने लोन ले लिया ना तुम्हारे पास इतने प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा आगे और कल को मान लो अगर तुम्हारा बिजनेस में जरा से भी उछाल हो गई या जरा सा भी बिजनेस डाउन हो गया तो हमारा तो पैसा ही नहीं तुम रिटर्न कर पाओगे भाई हम आठ परसेंट पे तुम्हें लोन नहीं देंगे आज के बाद हमें तो जो लोन चाहिए हम तो रिटर्न तुम्हारे को फिफ्टीन लोन फिफ्टीन परसेंट तुम्हें लोन देंगे हम इसे कंपनी लोन देने वाले बहुत रिस्की जगह है भाई हमारे लिए और अगर और ज्यादा डेट बढ़ा दी हमने तो हो सकता है बोले भैया हमें तो ट्वेंटी फाइव परसेंट लोन चाहिए इतना ज्यादा तुमने लोन लिया हुआ है तो हमें तो ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए कम इंटरेस्ट पर नहीं हम काम करने वाले ठीक है बैंक वाले चेक करते हैं ये रेशो गेयरिंग कितना कि ज्यादा कंपनी ने लोन लिया हुआ है अगर कंपनी का खुद का पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है कि इक्विटी बहुत ज्यादा हाई है और डेट बहुत कम है तो बैंक इसको बहुत खुशी खुशी लोन देता है कि यार बिजनेसमैन ने अपनी जेब से बहुत पैसा लगाया हुआ है लोन बहुत ज़्यादा कम है तो इसको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे देते हैं लेकिन अगर किसी कंपनी की इक्विटी बहुत लेस है और डेट बहुत ज़्यादा हाई तो कंपनी लोन शायद दे दे लेकिन वो इंटरेस्ट काफ़ी हाई चार्ज करेगा कि हमारे लिए रिस्क है ही और ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न हर बंदा एक्सपेक्ट करेगा तो यही यहाँ पर हमें एक ग्राफ बताया हुआ है ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी क्या कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल कीप ऑन राइजिंग जैसे ही हम अपनी गेयरिंग बढ़ाते हैं लेकिन गियरिंग जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल करता है क्योंकि हम चीपर डेट से ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो ऑन एन एवरेज हमारा वेटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल कम होता है बट देर इज अ पॉइंट जहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी डेट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा जो वेटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग और जब हमारा रिस्की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी बिजनेस में उसके बाद तो डेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो हिस इज दी ऑप्टिमम ऑप्टिमम लेवल जहां पे एक बिजनेस मैन फाइनेंशियल मैनेजर को काम करना चाहिए हमें प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करना कोई फॉर्मूला भी नहीं लर्न करना सिर्फ कॉन्सेपचुअली ये चीज़ हमें समझनी है लॉजिकली इस चीज़ को समझना है ठीक है इस चीज को जब तुम यहां से पढ़ोगे तुम्हें सारा समझ आ जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है सो so, कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन इज देर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ गेयरिंग पॉइंट एक्स एट पॉइंट एक्स ओवरऑल रिटर्न रिक्वायर्ड बाई इन्वेस्टर दैट इज डेट ऑर इक्विटी दैट मीन डब्ल्यू ए सी सी इज मिनिमाइज इट फॉलोज दैट दिस पॉइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ दर्म डेट एंड इक्विटी स्ट्रक्चर विल बी मैक्सिमाइज यहां पर कंपनी की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ठीक है अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या है इसका कोई फॉर्मूला है क्या इसका कोई फॉर्मूला है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है दिस इज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मेथड ये हिट एंड ट्रायल मेथड है गाइस अगर आपको ये चीज़ देखनी है आपको कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल कैलकुलेट क्यापिल करते रहने पड़ेगी बाद में आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी स्टार्ट हो रही है तो इस पॉइंट से ज़्यादा हम इक्विटी वालों से ही पैसे लेंगे डेट और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम गेयरिंग और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे इतनी गेयरिंग मैक्सिमम रख सकते हैं इससे ज़्यादा गेयरिंग हम नहीं रख सकते यही देखो प्रॉब्लम बताई हुई है देयर इज़ नो मेथड अपार्ट फ्रॉम हिट एंड ट्रायल मेथड अवेलेबल टू लोकेट दिमल पॉइंट ठीक है इसको पढ़ लेना सारा ये जो मैंने ऊपर तुम्हें बताया सारा कुछ वही है यू कैन स्किप दिस पार्ट ये वही है उसको रिवर्स कर दिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होती है तो इस पॉइंट तक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगी तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगी सो दैट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी हाईएस्ट होगी है ना जितनी कम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू धीरे धीरे अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी स्टार्ट हो गई तो मार्केट वैल्यू विल स्टार्ट फॉलिंग वही चीज़ है पढ़ लोगे समझ आ जाएगा कुछ भी ऐसे खास नहीं है अब आता है हमारा <coughs> यहाँ पे अब बन, अब जिस चीज़ का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता डिफरेंट अप्रोचेज होती है डिफरेंट थिंकिंग होती है तो वहाँ पे कुछ एक पर्सनस होते हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी हमें बताई होती है तो अब हम पढ़ने वालेंगे नाइनटीन फिफ्टी थ्योरी विदाउट टैक्सेशन कोई टैक्सेशन नहीं है दिस इज मोदी ज्ञानी एंड मिलर ज्ञानी एंड मिलर मैं मोदी ज्ञानी बोल गया ज्ञानी एंड मिलर दिस इज एम एन एम शॉर्टकट में एम एन एम अप्रोच कर सकते हो एम एन एम नाइनटीन फिफ्टी एट थियोरी विद नो टैक्सेशन एम एन एम ने क्या बोला सो एम एन एम वालों ने बोला वो कहते हैं कि हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू गेयरिंग कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो गेयरिंग से डायरेक्टली प्रपोर्शनेट होती है इसका मतलब क्या है जैसे हमने पिछले चार्ट में क्या देखा था कि कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी ऐसे बढ़ रही थी कि पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है हमारी ऐसे जा रही है कि पहले बहुत स्लो पेस पर बढ़ रही है या थोड़ा सा हम बढ़ाता हूँ ऐसे कि पहले बहुत स्लो पेस पर बढ़ रही है देखो अगर हम देखें तो पहले बहुत स्लो पेस पर बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़नी स्टार्ट होगी पहले बहुत स्लो पेस पे बढ़ रही है धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी काफी ज्यादा बढ़नी स्टार्ट होगी क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है गियरिंग के साथ साथ यही हमने पढ़ा था ऊपर एम एन एम वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है जितनी हमारी गियरिंग बढ़ रही है तो जितनी हमारी गियरिंग बढ़ेगी उसी का प्रोपोर्शनेट हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा तो अगर हमारा जैसे दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट एट परसेंट दिस इज कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन में गेयरिंग बढ़ रही है दैट मीन्स डब्ल्यू में कोई चेंज ही नहीं आने वाला डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें दिमाग है वो बोलेंगे कि भाई अगर तुम गेयरिंग बढ़ा रहे हो ना तो डब्ल्यू आपकी जितनी आ रही है ना उसी के अकॉर्डिंग नया कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी निकालो हम तो वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आप गेयरिंग बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें बढ़ानी गेयरिंग आप बढ़ा रहे हो दैट मीस हमें हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो जितनी आपकी डब्ल्यू कम जितनी डब्ल्यू आपकी है उतनी ही डब्ल्यू पे हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे कि हमारी डब्ल्यू में चेंजेस नहीं होने चाहिए ये एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं तो इन्वेस्टर्स आर रैशनेल द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन गियरिंग दस देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड गियरिंग इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमारी डब्ल्यू में कोई चेंज ही नहीं आने वाला मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी विल रिमेन सेम चाहे हम जो भी गेयरिंग यूज़ करें अगर गेयरिंग कम होगी तो इक्विटी वाले भी कम लेंगे अगर गेयरिंग बहुत ज़्यादा होगी तो इक्विटी वाले भी ज़्यादा कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि इनिशियली इक्विटी वाले अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो कम बढ़ाएंगे ऐसा कुछ नहीं है वो एक्जैक्टली exactly उतनी ही एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे ताकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जैक्टली ऑफसेट दफ चीपर डेट देरफोर में कोई भी चेंज नहीं आता ठीक है तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है उनको कितना डेट रखना है कितना इक्विटी रखना है सो so, रखनासी में कोई चेंज नहीं आता तो फाइनेंस में क्या फर्क होगा चॉइस ऑफ फाइनेंस इज इनरेलीवेंट टू द शेयर होल्डर वेल्थ उनकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आने वाला कंपनी कैसे मर्जी इसको यूज कर सकती है दिस कैन भी डेमोन्स्ट्रेटेड इन दॉलोइंग डायग्राम डायग्राम बताया हुआ है दिस इज विदउट टैक्सेशन याद रखना कि कोई टैक्सेशन का बेनिफिट यहां पर नहीं है ठीक है कोई टैक्सेशन का बेनिफिट यहां पर नहीं है सिंपल सी बात एम एन एम अप्रोच तो इसने assumption क्या कह लिया है कि कोई टैक्सेशन नहीं है परफेक्ट कैपिटल मार्केट वेयर इन्वेस्टर हैव सेम इन्फॉर्मेशन अपॉन विच दे रिएक्ट रैशनली कि इन्वेस्टर्स के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है सेम इन्फॉर्मेशन है ताकि उनको पता है डब्ल्यू कंपनी का इतना है तो उन्होंने डेट बढ़ा दिया है तो डब्ल्यू मेंटेन रखने के लिए हम इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे वो अपना रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कि इक्विटी की ट्रांजेक्शन कॉस्ट या डेट लेने की ट्रांजेक्शन कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है डेट इज़ रिस्क फ्री कि डेट जो है दैट इज़ रिस्क फ्री देर इज़ नो रिस्क क्योंकि रिस्क होगा तो डेट भी बढ़ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट विल ऑल्सो इंक्रीज़ ठीक है, so, की की क्या है कि theory are basically based on assumptions, इसमें बहुत ज़्यादा ठीक है ठीके? तो इसको पढ़ लेना ये टैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है कुछ नहीं है अब बात आती है एम एन एम थ्योरी विद टैक्सेशन अब वो विद टैक्सेशन क्या बोलता है विदाउट टैक्सेशन तो हमने देख लिया सो so, अब हुआ क्या अब जब एम एन एम ने अप्रोच बनाई विदाउट टैक्सेशन जो पहले हमने पढ़ी थी तो उसका बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म किया उन्होंने बोला कि यार ये अप्रोच ठीक नहीं है विदाउट टैक्सेशन आप चीज़ें फॉलो करते जा रहे हो तो कभी भी आंसर ठीक नहीं आया क्योंकि देर इज़ अ टैक्सेशन और जब टैक्सेशन होती है तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है है ना टैक्सेशन की वजह से हमें डेट में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है तो डेट में अगर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इक्विटी वाले उसी तरीके से बढ़ रहे हैं डेट में हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो यहां तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज आएगा तो एम एन एम वालों ने क्या किया उन्होंने अपनी थ्योरी रिवाइज करी सो एम एन एम देअर फोर रिवाइज देयर थ्योरी एंड उन्होंने नाइनटीन सिक्सटी में सिक्सटी थ्री में एक नई थ्योरी दी विच इंक्लूड्स टैक्सेशन तो इन्होंने अब क्या बोला ध्यान से सुना इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला कि क्योंकि एक इन्वेस्टर क्योंकि एक शेयर होल्डर को पता है क्या कि अगर हम ज्यादा गेयरिंग रखते हैं ध्यान से सुनना अगर हम ध्यान से सुनागा अगर हम ज्यादा गेयरिंग करते हैं तो ये तो हमें पता है कि ज्यादा गेयरिंग होने से क्या होता है कि कंपनी को फिक्स एक्सपेंस कंपनी का बढ़ जाएगा दैट मीन इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा लेकिन कंपनी को पता है कि कंपनी का फिक्स एक्सपेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है अगर एट परसेंट इंटरेस्ट है तो कंपनी को इसमें टैक्स बेनिफिट भी पड़ेगा तो अल्टीमेटली कंपनी का जो फिक्स एक्सपेंस बढ़ेगा वो लेट से फाइव परसेंट बढ़ने वाला है कि हमने टैक्स इसमें से माइनस कर दिया वन माइनस टैक्स तो अल्टीमेटली कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो लेट से फाइव परसेंट है तो जब कॉस्ट ऑफ सॉरी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ डेट आएगा वो फाइव परसेंट है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने की रेशो होगी वो अगर हमारा ग्राफ ध्यान से सुनना ऐसे था वो अब ऐसे ना हो के वो ऐसे होगा इट विल बी लाइक दिस वो बढ़ेगा प्रोपोर्शनेट ही लेकिन प्रोपोर्शन अब थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि अगर कंपनी गेरिंग ज्यादा बढ़ाती है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फिक्स एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं विदाउट टैक्स में फिक्स एक्सपेंस 8 परसेंट से बढ़ रहे हैं लेकिन विद टैक्सेशन में कंपनी को 3 परसेंट का फायदा भी हो रहा है तो वो अपनी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो थोड़ी सी कम कर देंगे थोड़ा सा वो अपना एक्सपेक्टेशन <coughs> <coughs> है वो कम बढ़ा के चलेंगे अब पुराने चार्ट से इस चार्ट में क्या फर्क पड़ने वाला है ध्यान से देखना पुराने चार्ट में हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ डेट इतना रहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी कैसे जाती है और ये होती है हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि देर इज नो चेंज लेकिन अगर ध्यान से देखना ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है डेट में तो कोई चेंज नहीं आया अब इक्विटी हमारी उस प्रपोर्शन से ऊपर ना जाके थोड़ी सी कम ऊपर जा रही है लाइक दिस अगर हमारी जो इक्विटी है उस प्रोपोर्शन से ऊपर ना जाके थोड़ी सी कम प्रोपोर्शन में जा रही है क्योंकि इक्विटी वालों को पता है कि हमें थोड़ा सा कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना है एक्सपेंस तो है तो उसी हिसाब से हम अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ाते हैं तो वेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू टू फॉल फॉल वो फिर याद रखना एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी टू फॉल तो ये हमारा चार्ट बनता है एम एन एम का विद टैक्सेशन अप्रोच तो वो क्या बोलते हैं दिस इज एट टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट डेट इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट टू दी कंपनी इज लोअर दैन द एम एन एम नो टैक्स नो टैक्स से तो कम होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा थी यहाँ कम होगी लोअर डेट कॉस्ट रिजल्ट इन लेस वॉलेटिलिटी इन द रिटर्न की रिटर्न हमारे बहुत ज्यादा वॉलीटाइल नहीं होंगे रिस्की नहीं होंगे फॉर द सेम लेवल ऑफ गियरिंग विच लीड्स टू लोअर इंक्रीजिज इन के जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उनकी एक्सपेक्टेशन है वह बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्यों वो बोलेंगे कि हमें पता ही इंटरेस्ट उतना ज़्यादा देना नहीं है चाहे गियरिंग हमारी फोर इज टू वन है चाहे गियरिंग फोर इज टू वन है दोनों केसेस में यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे क्योंकि उनको पता है कि डेट पे कम इंटरेस्ट पे करना है रिस्क थोड़ा सा कम है तो रिस्क कम है थोड़ा सा तो रिटर्न भी वो कम एक्सपेक्ट करेंगे तो इसीलिए डब्ल्यू विल स्टार्ट फॉलिंग ठीक है सो गेयरिंग अप रिड्यूसिज द डब्ल्यू एंड इनक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी द ऑप्टीमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इन दिस केस इज नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट गेयरिंग वो कहते हैं तुम सारी ही गेयरिंग रखो इक्विटी मिनिमम रखो तो एम एन एम की नोट एक्स की क्या बोला कि तुम सारा का सारा पार्ट अपना गेयरिंग का ही रखो इक्विटी सबसे कम रखो अप्रोच ये भी सही नहीं है क्योंकि यहां पे जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी उससे फर्क पड़ जाए क्योंकि इक्विटी बिल्कुल ही जीरो होगी तो रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा बट इसने वो चीज़ फॉलो नहीं करी ये मैथमेटिकल तरीके से चल रहा है इसने लॉजिक्स नहीं लगाए ज़्यादा लॉजिक्स और जो इस सिचुएशन में होगा वो नहीं लगाया इसने सिंपल मैथ्स लगाया कि भाई ये सिचुएशन है तो डब्ल्यू ए सी सी विल टेन टू फॉल तो इसने यही ग्राफ बनाया इसने क्या बोला ये देखो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी ऐसे डब्ल्यू ए सी सी विल फॉल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी की बढ़ती रहेगी जितना ज़्यादा गेयरिंग होगा उतनी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो हमें ये एज सच प्रैक्टिकली नहीं याद रखना हमें बस ये याद रखना है कि एम एन एम अप्रोच की विथ टैक्सेशन वाली बोलती है कि जितना ज़्यादा डेट होगा हमारा उतनी ज़्यादा हमारी उतनी कम हमारी डब्ल्यू सी सी होगी दैट मीन्स मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और अगर एम एन एम विदाउट टैक्सेशन हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये कि डब्ल्यू ए सी सी में कोई चेंज नहीं आने वाला है वो सेम रहेगी चाहे हमारी गेयरिंग जितनी मर्जी हो चाहे जितना मर्जी डेट प्रोपोर्शन हो इक्विटी के ठीक है सो ये होती है हमारी एम एन एम अप्रोच इसको पढ़ लेना गाइस ये सारी वही चीज़ें बताई हैं जो ऊपर है अब आता है प्रॉब्लम विद हाई गियरिंग अब हाई गियरिंग में हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं तो हमने एम एन एम ने हमें ये तो बता दिया कि जितना ज़्यादा हमारा गियरिंग होगा उतनी ज़्यादा कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी लेकिन हाई गियरिंग मतलब डेट प्रोपोर्शन डेट प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई है और इक्विटी बहुत ज़्यादा कम है उसके नुकसान क्या हैं सबसे पहला है बैंक रिस्क का मतलब क्या है कि अगर हमारा डेट बहुत ज्यादा हाई होगा इक्विटी बहुत ज्यादा कम तो जैसे कि मैंने बताया था इक्विटी वाले विल एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट अ अ हायर हायर रिटर्न रिटर्न दे विल नाउ वो रिटर्न बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्ट करेंगे दैट मीनस वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की बहुत ज्यादा बढ़ गई दैट मीनस कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया कहां से कंपनी इतने पैसे पूरे करे प्रॉफिट तो बढ़ नहीं रहे प्रॉफिट तो स्टेबल है मार्केट वैल्यू कंपनी की फॉल करेगी इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचने शुरू कर देंगे कंपनी लोन नहीं रीपे कर पाएगी इतना ज़्यादा लोन है तो कभी बैंक हो सकती है सेकेंड आता है एजेंसी कॉस्ट अब एजेंसी कॉस्ट क्या आती है गैस देखो एजेंसी कॉस्ट इज अगर हमारा डेट प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई होगा अगर डेट प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई है तो हो सकता है जो हमारे डिबेंचर हैं है या फिर बैंक है वो कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे क्या कि आपको ये वाला एसेट सेल नहीं करना ये सारे एसेट्स आप सेल ही नहीं कर सकते और अगर इतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन डेट है तो आप कोई भी एसेट सेल ही नहीं कर सकते अब मान लो कंपनी को और अगर आपको एडिशनल लोन लेना है तो आपको कुछ एडिशनल एक्सपेंस पे करना पड़ेगा परसेंटेज आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा कमीशन आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा ठीक है तो उस केस में एक कंपनी को बहुत नुकसान हो जाता है क्योंकि अगर मान लो कंपनी को कोई एसेट बेचना पड़ जाए ग्रोथ करने के लिए तो देखो कंपनी तो फंसी पड़ी है कंपनी ये एसेट सेल नहीं कर सकती क्यों क्योंकि बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कंपनी को नया एसेट परचेज करना है ग्रोथ के लिए वो परचेज नहीं कर पा रही क्योंकि इतना ज़्यादा लोन लिया हुआ है कि कंपनी और लोन उठा ही नहीं सकती सारे बैंक ने लोन देने से मना कर दिए तो क्या करे कंपनी इक्विटी वाले इतना हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि अगर हम इक्विटी से पैसे लेंगे तो वो तो और दिक्कत हो जाएगी इतना ज़्यादा रिटर्न हम कहां से इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे तो ये एक एजेंसी कॉस्ट हो जाएगी कि कंपनी को काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लग जाती लग सकती है थर्ड आता है टैक्स एग्जॉशन टैक्स एग्जोशन क्या होता है ध्यान से सुनना हमने एक चीज तो पढ़ी हमने एक चीज तो पढ़ी एम एन एम अप्रोच में उन साहब ने क्या बोला उन सर ने हमें क्या बोला उन सर ने बोला कि हमारा टैक्स का हमें बेनिफिट मिलता है इस वजह से कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम प्रोपोर्शन से बढ़ता है तो डब्ल्यू ए सी सी हमारी कम हो जाती है यही बताया ठीक है ना एम एन एम ने हमें यही बताया चलो ठीक भी है लेकिन अगर ध्यान से सुनना अगर हमारा हाई गेरिंग है कॉस्ट ऑफ डेट बहुत ज्यादा है दैट मीन्स हमारे मान लो यहां पे प्रॉफिट्स ही नहीं है अगर सोचो कंपनी के प्रॉफिट्स ही नहीं है यहां पे तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट भी क्या होगा ध्यान से सुनना कंपनी के प्रॉफिट थे लेट्स हंड्रेड मिलियन के और कंपनी को हंड्रेड मिलियन का ही इंटरेस्ट पे करना था ध्यान से सुनो कंपनी के प्रॉफिट थे हंड्रेड मिलियन के बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और हंड्रेड ही मिलियन का अपना इंटरेस्ट पे करा कंपनी ने तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया जीरो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स जीरो हो गया अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जीरो हो गया तो कंपनी को यहां पे टैक्स भी जीरो पे करना है कंपनी को टैक्स भी यहां पे जीरो पे करना है ठीक है ना तो टैक्स जीरो है तो कंपनी को पता है कि अगर ये इंटरेस्ट ना होता तो कंपनी को हंड्रेड मिलियन पे टैक्स पे करना पड़ता इंटरेस्ट देने के बाद हमारा टैक्स बच गया तो लेट्स से फोर्टी टैक्स है तो टैक्स सेविंग होगी ठीक है यहां तक तो हमारा पॉइंट सही चल रहा है अगर मान लो हमारे प्रॉफिट यहां पर हमारे प्रॉफिट रह गए तो यहां पर जीरो मिलियन है इंटरेस्ट कंपनी ने जैसे जैसे करके पे कर दिया तो हमारा तो हंड्रेड मिलियन का लॉस हो गया तो अगर मान लो ये इंटरेस्ट ना भी होता तब भी हमारा टैक्स जीरो था इंटरेस्ट होने की वजह से इंटरेस्ट होने की वजह से हमारा टैक्स फिर भी जीरो आया तो इंटरेस्ट की वजह से हमारा टैक्स तो कुछ भी नहीं बचा हमारा इतना ज़्यादा गेयरिंग हो गई है कि इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारा वैसे ही लॉस आ गया तो टैक्स में तो कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं अब टैक्स में कॉस्ट ज़्यादा बचा नहीं दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट विल राइज अब कॉस्ट ऑफ़ डेट अगर राइज करेगी रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा इक्विटी वालों का और बढ़ना शुरू हो जाएगा और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी है ना सो so, हाई गियरिंग से हमारा यह भी नुकसान होता है कि इंपैक्ट और टैक्स एक्सोशन के देर विल बी अ पॉइंट जहां पे इतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट पे करना है कि हमारे को टैक्स ही नहीं पे करना और इंटरेस्ट की वजह से कोई टैक्स में हमें बेनिफिट नहीं होगा तो वहां पे हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट विल इंक्रीज और फिर रिस्क बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा डब्ल्यू सी विल स्टार्ट राइजिंग अब आता है इंपैक्ट ऑफ ऑन बोरिंग और डेट कैपेसिटी वो मैंने तुम्हें एजेंसी कॉस्ट में ऑलरेडी बता दिए डिफरेंस इन रिस्क टॉलरेंस लेवल बिटवीन शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स अब एक चीज तो हमने पढ़ा है कि अगर हाई गेयरिंग होगी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गेरिंग है तो रिस्क बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाई होगा जितना बड़ा हमारा गेयरिंग है उतना ज़्यादा रिस्क होगा तो इक्विटी वालों के लिए तो रिस्क ज़्यादा है वो तो रिटर्न ले लेंगे लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन पर भी बहुत इम्पैक्ट आता है उनका भी रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाता है क्यों वो बोलेंगे कि भाई हम कंपनी चला रहे इतनी रिस्की है इतने खर्चे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है कल को कंपनी लॉसेज में चली गई कुछ हो गया तो हमें तो सैलरी नहीं मिलेगी तो भैया हमें अगर इस कंपनी को अच्छे से चलाना है तो हमें तो सैलरी और ज़्यादा चाहिए अब वो सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे तो हमारा प्रॉफ़िट और कम हो जाएगा प्रॉफ़िट कम होगा तो हमारे को टैक्स ज़्यादा पे कर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो अगेन हमारा फिर शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट मोर तो हाई गियरिंग से हमारे को ये भी एक प्रॉब्लम होती है रिस्ट्रिक्शंस इन दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो कई बार हाई गियरिंग में जब भी कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन होता है ठीक है कि जब भी कोई कंपनी बनती है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को सबमिट कराने पड़ते हैं तो कई बार जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं इसमें लिखा होता है कि कंपनी की जो गेयरिंग है वो एट इस टू वन से हायर नहीं हो सकती उन्होंने एक लिमिटेशन सेट कर दी तो हाई गेयरिंग की ये भी प्रॉब्लम है कि हमने सारी गियरिंग यूज कर ली कुछ भी नहीं बची हुई और लास्ट इज इनक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग एज गेयरिंग इंक्रीजेज़ ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी हमारी गेयरिंग इंक्रीज होती है तो एक तो हमें जो बैंक है वो हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने शुरू कर देगा ठीक है ना बिज़नेस रिस्क ही स्टार्ट हो जाएगा बिज़नेस रिस्क ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा टैक्स सेविंग कम हो जाएगी तो हमें इंटरेस्ट जो है हमें जो देना पड़ेगा डेट को वो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा मतलब जैसे अगर मुझको टैक्स बेनिफिट के साथ फाइव परसेंट था लेकिन इतना मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट सिक्स परसेंट सेवन परसेंट एट परसेंट हो जाएगी है हाँ ना और जो लेंडर्स हैं जो हमें लोन दे रहे हैं वो भी ये बोलेंगे कि भाई तुमने ऑलरेडी इतना ज्यादा लोन लिया हुआ है हम तुम्हें लोन दे देंगे बट ये रिस्की बिजनेस है और तुम काफी ज्यादा लोन पे चल रहे हो हम तुम्हें हायर इंटरेस्ट रेट पे एट नहीं हम तुम्हें ट्वेल्व परसेंट पर इंटरेस्ट देंगे लेना है तो लो वरना मत लो तुम मतलब इतना लोन ले चुके हो और लोन तो बहुत रिस्की होगा तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग एज तो हाई गिंग के हमारे को ये होते हैं तो एम एन एम कि हाई गेयरिंग रखो लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देर आर ह्यूज प्रॉब्लम इन्वॉल्व विद हाई गियरिंग फाइनेंशियल मैनेजर को इन्हीं चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ठीक है तो यही चीज नीचे डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है इसको पढ़ लेना आज इतना ही करते हैं फिर आगे हम दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे दूसरी थ्योरी और आई थिंक थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया और बस उसके बाद हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर का फिनिश हो जाएगा बस ठीक है ना तो नेक्स्ट में हमें कुछ दिख रहा है कि कुछ फॉमुलस बताए हुए हैं कि कैसे हम एक परफेक्ट जगह पे निकाल सकते हैं कि हमारा बिज़नेस की वैल्यूएशन बढ़े तो जो भी मैंने आज पढ़ाया है बुक से थॉरली अच्छे से पढ़ना है हर चीज़ को बहुत थॉरली अच्छे से हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर और जैसे कि मैंने बताया था इसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा वो तुम मेरी एफ सेवन एफ फाइव की वीडियो देख कर सकते हो खुद भी कर सकते हो इज जस्ट फॉमुलेज दैट यू हैव टू लर्न ठीक है चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम